फिर सुरजीत से गंगा जी बनी नजर आए, पर जाओगे ही नहीं तो तुम्हें क्या पता चलेगा। गरु सुहावन अति मन भावन, स्वामी ने गुरु कीन्हा, ऐसी गरीब सुहावन आई और ऐसा समय आया कि उन्होंने भी गुरु किया। अब भाई दुनिया में रहना है, कुछ बताना है तो टाइटल तो लगेगा ही, अगर बच्चा है तो पिता का तो नाम होना ही चाहिए बिना। जबकि वो समरस संत सदगुरु सर्वज्ञ सतनाम देश के वासी, सब कुछ जानने वाले अंदर बाहर के आत्मदर्शी, अंदर बाहर सब कुछ देख रहे, पर उन्हें गुरु करने की आवश्यकता हो गई। तीनों गुरु करने की आवश्यकता पड़ गई दुनिया को दिखाने के लिए। मौज बनाओ द्वारे आयो, रामानंद से बिथा सुनायो, स्वामी ने रामानंद स्वामी से अपनी व्यथा सुनाई कि हे महाराज जी, हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए, हमें भी गुरु मंत्र दे दीजिए, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि आप हमको नाम दान दे दें और हमें अपना चेला बना लें। तो रामानंद स्वामी ने कहा, राम 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 राम, तुम्हारी जात का ना पता, ना पाठ का पता, ना तुम्हारा कुछ पता आता पता, और तुमको नाम दान हम कैसे दे दें। उस समय छुआछूत का बड़ा ही भेदभाव था। प्रेमियों पर स्वामी को तो नाम दान रामानंद स्वामी से ही लेना था। मन प्रेमियों, जिस रास्ते से सुबह सुबह गंगा जी नहाने रामानंद स्वामी जाते थे, उसी में वो भोर पहर 4 बजे रात्रि में वही सीढ़ियों पे लेट गए चुपचाप। और ऐसी उन्होंने मौज बना ली कि हम इस पे लेटेंगे, जब पैर हमारे ऊपर पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे आएगी, अगर पैर पड़ जाएगा तो पैरवा देखते हैं काट के फेंकेंगे या रखेंगे। क्योंकि समरस संत सदगुरु जितना चालाक होता है आपके बस की बात नहीं है। जो सबको पढ़ाता हो उसको कौन पढ़ाएगा भाई। फिर उन्होंने मौज बना ली कि आज सीढ़ी पे जरूर लेटेंगे। वो जा करके चुपचाप सीढ़ी पे लेट गए। अब रामानंद स्वामी रात के अंधेरे में टपा टप टपा टप टपा टप खेड़ाओ बोल रहे कमंडल भी, राम राम हरि राम हरि राम हर हर महादेव हरि राम करते करते उस सीढ़ी पर भी पहुंचे। जब उनका पैर था चप तो पता चला कि कोई किसी इंसान के ऊपर पड़ गया। राम बच्चा छोट तो मिल गया, अरे कहा महाराज मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया था? गुरु मंत्र आपने देने से मना किया था, अब तो आपने दे ही दिया बच्चा, राम 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 राम, अब तो हमको मिल ही गया। अच्छा भाई ठीक है, जाओ गंगा स्नान कर लो तुम भी, हम भी कहा भाई अब हमारा गुरु बनना पड़ेगा। कहा बच्चा बने तो बने, नहीं बने तो बने, मतलब चित्त भी उनकी पट भी उन्हीं की। अब पढ़ गए वो उनके शिष्य स्वामी कबीर साहब, शिष्य बन गए। अब लगी साधना की बारी।
अब इनको क्या साधना करनी चाहिए, तो वहां से आए ही थे, अपने परम धाम से साधना तो उन्हीं को करनी थी। तो प्रेमियों, ये अपना लिखते और सत्संग सुनाते अब संगत को जोड़ने का काम धीरे धीरे शुरू किया। और रहते इनके भी आश्रम पे थे, वो बाहर बैठे रहते थे। तो एक दिन की बात है, रामानंद स्वामी जी महाराज पूजा कर रहे थे विष्णु भगवान की। पूजा करने के लिए उन्होंने सब कुछ कर लिया, पर उनको जो मुंह में चना मिर्च पिलाते थे, जो चम्मच लगाते थे, वो नहीं लगाया। और जैसे मुड़ने लगे तो कहा, अरे गुरु महाराज रुक जाओ, तो वो ठहर गए। कहा भी तो आप भूल गए चम्मच से उस चना मिर्च आपने जो बनाते हैं वो तो आपने दूध पिलाया नहीं भगवान जी को, तो चम्मच से दूध तो पिला दिया। मन में सोच रहे हैं कि ये तो वहां बैठा, हम यहाँ हैं, पर्दे की उस पार है वो, हम इस पार ये कैसे देख रहा है कि हमने दूध नहीं पिलाया, आखिर इसके पास है क्या? पर रामानंद स्वामी जान गए कि इसके पास अब कुछ है जरूर, नहीं मैं यहाँ हूँ, मैं भूल गया था, इसको कैसे मालूम की दूध नहीं पिलाया। अच्छा प्रेमियों, अब स्वामी कबीर साहब की और रामानंद स्वामी जी की अब चल रही है गुरु शिष्य की जोड़ी, पर अभी गुरु के अंदर विकार बढ़ा है पंथ वाला कि हम महंत हैं, महंत हम महंती का विकार बढ़ा है, नीच जात का है, राम राम इसने तो अच्छा फंसा रखा है, राम राम ये वो सोचा करते। और कबीर साहब अपने काम में लगे हुए, जीवों को जगाने में और समझाने बताने में। जीवों को बताने और समझाने में लगे रहते थे और अपना वो काम बना रहे थे। एक दिन की बात, उस समय के प्रकांड विद्वान त्रिकालदर्शी महात्मा श्री गोरखनाथ जी ने संदेशा भेजा रामानंद स्वामी को, काशी। रामानंद स्वामी वहां के बड़े महंत थे। कहा कि अगर शास्त्रार्थ में तुमको करना पड़ेगा मुझसे, अगर शास्त्रार्थ में तुम जीत गए तब तो ठीक, नहीं तो तुम्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अब रामानंद स्वामी की सिट्टी पिट्टी, अब उनकी हालत खराब है, परेशान है, सोच विचार में फंसे हुए हैं, दिखाई सुनाई तो कुछ पता नहीं था। हरे राम हरे कृष्ण सीताराम, हरे राम हरे श्याम, राम राम हर हर महादेव, हर हर गंगे, यही होता था। प्रेमियों, अब ये दिखा देखी गई नहीं कबीर साहब जी से। एक दिन पूछा, गुरुजी बात क्या है, क्या दिक्कत परेशानी है? तो कहा, बच्चा गुरु गोरखनाथ जी ने सूचना दी है कि हम तुमसे शास्त्रार्थ करेंगे, अगर हार जाओगे तो मानती छोड़नी पड़े। अरे कहा, बस इतनी बात है महाराज जी, चिंता मत करो, इस सेवा के रहते हुए सबसे पहले शास्त्रार्थ मुझसे करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। तब हाँ, अब उन्होंने सोचा कि एक दिन तो इसने बताया था कि भगवान जी को चरणाम नहीं पिलाया, इसके मतलब जानता तो है, कुछ देर तो तक कर ले गएगा, उसके बाद में देखा जाएगा। अब प्रेमियों, घड़ी सुहावना मन भावना, शास्त्र की आई, बेला शास्त्र की आई, रामानंद स्वामी दरबारा, रामानंद स्वामी
समय आ गया। अब रामानंद स्वामी का जो अखाड़ा था, जहाँ महंती थी, दरबार था, कुटिया आश्रम था, वहाँ पर अब पहुँच गए गुरु गोरखनाथ जी। जब गुरु गोरखनाथ जी पहुँचे तो क्या किया, गायत्र सोल वसन को लगायो, ललकार रामानंद स्वामी को बुलायो, देखो गुरु गोरखनाथ जी जब पहुँचे तो उन्होंने त्रिशूल गाड़ा अपना और त्रिशूल की नोक पर पलथी मार करके जा करके ऊपर बैठ गए और कहा, ए रामानंद स्वामी चलो बाहर और मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब रामानंद स्वामी तो जरूर से देखेंगे कि ये तो त्रिशूल के ऊपर बैठा, रे बाप रे बाप, अब क्या होगा। तो समरस संत कबीर साहब जी जो थे तो उन्होंने कहा कि गोरखनाथ जी महाराज शास्त्रार्थ पहले उनका शिष्य करेगा, मैं उनका शिष्य हूँ, मेरा नाम कबीर है, आप पहले शास्त्रार्थ मुझसे कर लीजिए, उसके बाद में हमारे गुरु के पास जाना। तो कहा मेरे बराबर आओ, तो कहा ठीक है, बताओ तन से आए कि मन से आए। तो कहा नहीं तन से आओ। तो कहा ठीक है महाराज जी, आपकी इच्छा है तो तन से आ रही हैं। बिंदी स्वरूप को बनायो, चक्र समान उस दियो चलायो, चक्र समान उस दियो चलायो, मुख के पास गई वह दुप्पा, बैठ गया गोरख का सारा छुब्बा, बैठ गया के सारा छुब्बा। समर संत कबीर साहब जो थे तो उन्होंने दुब की बिंदी बनाई, जैसे आप लोग तो तगारी रखने के लिए, तसला रखने के लिए बिंदी बनाती हो, उसी तरह उन्होंने दुब की छोटी सी बिंदी, दुब घास की छोटी सी बिंदी बनाई और उसको उछाला। और गोरखनाथ साहब जो जी थे महाराज, उनके नाक के मुंह के सामने वो नाचने लगी, ऐसे गोल गोल गया करके वो, और उसी पर कबीर साहब जा करके आसन मार के बैठ गए। जैसे वो उस पर बैठे बस वैसे गुरु गोरखनाथ जी चट करे संसा भरा और भाग खड़े हुए चले गए। उन्हें पता चल गया कि हमसे भी बड़ा ये त्रिकाल दर्शी है। अब गुरु का नंबर आया ही नहीं, पर हमारे राम अचल भाई एक गिरजापुर से आए हैं, वो सोच रहे हैं इधर उधर देख ले सारा कुछ आनंद आ जाए, उनका मन राज लग नहीं रहा है और इसलिए वो इधर उधर चमक चमक कर रहे हैं। शायद हो सकता है उनका क्षेत्र हो, उनको मालूम हो कि कबीर साहब ने वहाँ क्या किया है, काशी और मिर्जापुर पास है, तो इसलिए इन्हें मालूम हो गए होगा। फिर उसके बाद में वो चले गए तो रामानंद स्वामी आए, कहा महाराज हमारी लाज आपने बताया। अरे कहा मुझको क्यों महाराज कहते हो, आप हमारे गुरु महाराज, हम तो भी शिष्य हैं सिर्फ। तो इस तरह से उन्होंने काशी में काल किया। फिर कुछ दिन बीते, रजा साहब ने मारवाड़ की महारानी, अब रजा साहब का नाम हो गया, रजा साहब और कबीर साहब लगभग समकालीन थे, थोड़ा आगे और पीछे। एक दिन राजा रामनगर किया, दोनों लोग एक साथ गए
तो इसके मतलब संकर्ष थे। तो उस समय जब वो थे वहां, तो वो अपना उनका जो कारोबार होता है जूतियां काटने का, और कठोते में चमड़ा डुबो करके राखी सोजा ले करके अपना बैठे रहते थे वहीं, और अपना काम किया करते थे। और पूरे संत थे जो पहुंचता सदा से उसी कठोते से चरणा में सजे थे, और वो पीले था देव दृष्टि फुल जाति नामदान दे रहे थे। अब वो रैदास जाति के थे, मतलब छुआछूत जाति के थे, उनसे जो थे महंत लोग बड़ी थेड़ा करते। अब इसके पैर लोग छूने लगे हैं, भैया हमारे से भी लोग घृणा करते हैं, ये भी आप लोग समझ के रखना, मेरे पैर मत छुआ करो, हम भी कोई बड़ी ऊंची जात के नहीं, गुप्त तो है, कोई ठाकुर ब्राह्मण तो है नहीं, तो उनसे बड़ी घृणा करते। तो प्रेमियों एक बार की बात है, उनका परचम मारवाड़ तक पहुंचा, मारवाड़ राजस्थान पर चला, पहुंच गया तो वहां से एक महाराज जी आए, राजा जी आए, और राजा जब आए काशी धीरे धीरे मारवाड़ से, तो कहा पिताजी क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा बेटी ये दाग इसमें पड़ा है, हम पटक पटक के थक गए लेकिन ये छूट नहीं रहा है। अरे कहा पिताजी मुझको दीजिए, हम भी साफ कर देते हैं, आप चलो चिंता मत करो। बस वो मुंह लगा करके चूसना उसने शुरू किया, और जैसे जैसे वो हमारी तरफ अंदर जा रहा उसकी दिल की धोती चली जा रही है, सारा दाग गायब, कपड़ा फट, और उसकी दिल वही खूब। अब वो स्वर्ग की, वैकुंठ की, यहाँ की वहां की, समरस संत रैदास साहब की, सब साहब की गाने लगी, बताने लगी, उसका अब नाम होने लगा। करे उस धोबन के हाथों वो तो भगवान जी की सारी बात बताती है, जो कुछ पूछो वही बता देती, उसको बहुत बड़ी दौलत मिल गई है। राजा के पास संदेश आ गया, जब राजा के पास संदेश आ गया, राजा ने भी सुना तो राजा भी पहुंचा, कहा बच्ची प्रणाम, तुरंत वो उठ करके खड़ी हो गई।